हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीडो फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं आ गई हूँ बेस्ट क्वेश्चनों को लेकर के आपके समक्ष। आप सभी रेडी हो जाइए प्रैक्टिस लगाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके पास समय बहुत कम है और आप अपने टाइम का एक एक सेकेंड का महत्व रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार स्टेट का रिजल्ट जो है 18 को आ जाएगा एंड उसके जस्ट बाद आपका कुछ ही दिन में अक्टूबर में फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। 30-45 दिन का आपके पास टाइम है, इसलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। सिलेबस आपका यही रहेगा, यही सभी टॉपिक रहेंगे जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन टॉपिक भले वही रहेगा लेकिन आपको गहराई से एक एक क्वेश्चंस को सटीक जानकारी रखना होगा, क्योंकि बीपीएससी ऐसे सीधे साधे सवाल पूछेंगे नहीं, उसका लेवल हाई रहेगा। इसलिए हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं प्रैक्टिस, हाई लेवल का ही करा रहे हैं। ये भी आपको ज़रूर वीडियो देखने में उबन महसूस होगा, लेकिन कोई भी काम आप सोचेंगे कि आसान रास्ते से हो जाए, आपको मेहनत न करना पड़े और सफलता भी मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको एक एक टॉपिक को क्लियर करना ही होगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही होगा और एक एक मिनट का उपयोग करना होगा। और यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की सभी प्रकार के कॉन्टेंट अवेलेबल हैं, चाहे थ्योरी सेशन पढ़ना चाहती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, चाहे बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, ये आपका यूथ कंपटीशन का खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड, आपका व्यक्तित्व पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है आज का। एंड जैसे कि EMRS का भी एग्जाम होने वाला है, MP TET जिसने भी पास किया है उसका भी एग्जाम अवश्य होगा। तो आपकी समझ सबसे पहले तो बिहार BPSC लेगा फिजिकल एजुकेशन। तो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ टॉपिक वाइज, तो आप 100% क्वालिफाई होंगे, 100% आपका नौकरी लगेगा। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं है। क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा व्यवहार जिसमें प्रतिद्वंदी को मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक नुकसान पहुंचाकर जीतना है। तो किसी भी आपका ऐसा कोई भी व्यवहार जो किसी को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से आप शारीरिक नुकसान पहुंचा के जीत रहे हैं, तो वो अच्छा बात नहीं है, वो एक प्रकार का अग्रेसिव व्यवहार बिहेवियर हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा कि आक्रामकता के साधन के रूप में उपयोग हो रहा है, यानी जो अग्रेशन है, आक्रामकता जो व्यवहार है उसको साधन के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव वे में उपयोग करना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनोलैंगिक विकास किसके द्वारा होता है? तो मनोलैंगिक साइकोसेक्सुअल विकास अधिकतर कहाँ पे होता है दोस्तों? किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में। यानी मनोलैंगिक विकास साइकोसेक्सुअल किशोरावस्था के दौरान होता है, किशोरावस्था के दौरान ही तेजी से सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। इस दौरान बालक के मस्तिष्क पर सेक्स के बारे में जानने की इच्छा होती है और उसका मन विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। जो रियलिटी है उसका पढ़ना पढ़ना आपको जरूरी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का वर्तन द्वारा प्रभावित होता है। तो जो दोस्तों किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का जो वर्तन यानी कि व्यवहार है, किसको द्वारा ज़्यादा प्रभावित होता है? कुटुंब के द्वारा, कि शाला के द्वारा, कि समाज के द्वारा, कि अभिजात वर्ग? यहाँ पे अभिजात वर्ग के द्वारा किशोरावस्था में बालक का व्यवहार ज़्यादा प्रभावित होता है। अभिजात वर्ग का मतलब यहाँ पे अपने सहयोगियों, समकक्ष, उसी के समकक्ष रहने वाले दोस्त साथी जो होते हैं, यानी किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का व्यवहार या वर्तन अभिजात या समकक्ष व्यक्ति द्वारा प्रभावित होता है। किशोरावस्था के दौरान पूर्ण परिपक्व मस्तिष्क और शरीर नहीं होता, इसलिए व्यक्ति अपने सहयोगियों या समकक्ष और साथ में रहने वाले लोगों द्वारा प्रभावित होता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों,
व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन हैं? तो मुख्य कारक है वंशानुक्रम एंड वातावरण, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी इसको नेचर एवं नर्चर बोल सकते हैं, और दूसरे भाषा में प्रकृति एवं पोषण बोल सकते हैं। अगर इतने नामों से देगा कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन है, तो आपके ऑप्शन में वंशानुक्रम वातावरण रहेगा, या हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट होगा, या नेचर एंड नर्चर होगा, या प्रकृति और पोषण होगा। याद रखिए, एक ही क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। फिर आप कहेंगे मैंने तो ये पढ़ा था, ये पूछ दिया, क्यों नहीं पूछेगा, परीक्षा है, परीक्षा को परीक्षा की नज़र से देखिए। एंड वंशानुक्रम वातावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। अपने माता पिता द्वारा पूर्वजों के वंश से जो भी कुछ अर्जित करता है वह सभी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तथा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। जैसा कि ये बात आप जान लीजिए, जो हेरिडिटी यानी कि हमारा अनुवांशिकता है वो हमें शक्ति प्रदान करता है, लेकिन उस शक्ति को विकास करता है, उसको बनाए रखता है, पोषण करता है कौन? वातावरण, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, वृद्धि निम्न में से कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों, शैशव काल में 0 से 5 वर्ष जो होता है शैशव काल, उसमें सबसे ज्यादा शारीरिक वृद्धि होती है, यानी 0 से 5 वर्ष आयु तक मानी जाती है शैशव काल। नेक्स्ट, कौन सा क्रिस्मर के शरीर प्रकार की वर्गीकरण नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, लेकिन सेल्डन, क्रिस्मर, हिपोक्रेटस एंड स्पेंसर एंड कार्ल यंग, ये जरूर पूछते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा सेल्डन, क्रिस्मर एंड कार्ल यंग तो अवश्य ही पूछता है, अवश्य ही, इसको कोई हटा नहीं सकता। तो क्यों इसको आप अधूरा ज्ञान रखेंगे, पूरा ज्ञान हमेशा रखिए। तो कौन सा क्रिस्मर के शरीर का वर्गीकरण नहीं है? तो क्रिस्मर ने 4 बॉडी टाइप बांटे थे, कौन कौन से? पिकनिक यानी गोलकाय, एथलेटिक यानी सुडोलकाय, एस्थेनिक यानी लंबकाय, एंड चौथा इन्होंने बांटा था डायस्प्लास्टिक, जो तीनों की विशेषताएं इसमें पाया जाता है। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो पिकनिक भी है, एथलेटिक भी है, एस्थेनिक भी है, बट कोलेरिक नहीं है। कोलेरिक यह आपका हिपोक्रेटस ने बांटा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक्टोमोर्फ शरीर रचना का घटक नहीं है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा एक्टोमोर्फ की विशेषता नहीं है। जैसे कि सेल्डन ने बॉडी टाइप को 3 प्रकार में डिवाइड किया है, कौन कौन से? एंडोमोर्फिक यानी गोलकाय, मेसोमोर्फिक यानी मजबूत शरीर, मांसल शरीर जिसे सुडोलकाय कहते हैं, एक्टोमोर्फिक यानी दुबला पतला शरीर, अस्थि प्रधान शरीर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टोमोर्फिक रचना का घटक नहीं है, यानी कौन इसमें एक्टोमोर्फिक दुबला पतला शरीर का विशेषता नहीं है, इसको आप ढूंढना है। तो लंबी पतली गर्दन तो है, लंबी अनुदार छाती भी है, तो यहाँ पे, और लंबी बाजुओं के साथ लटकते कंधे भी हैं, तो यहाँ पे कौन घटक नहीं है? तो यहाँ पे घटक नहीं होगा दोस्तों, मजबूत और लंबी गर्दन। मजबूत शब्द जहाँ पे आ जाए वो मेसोमोर्फ का होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये मजबूत और लंबी गर्दन आपका मेसोमोर्फिक में हो जाएगा। तो समानता एक्टोमोर्फिक वह होती है जिनका शरीर दुबला पतला आकार होता है, उनकी हड्डियों का ढांचा छोटा होता है, सीना सपाट चौड़े कंधे छोटे होते हैं, इनको वजन बढ़ाने में काफ़ी मुश्किल होती है, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है जिससे इनमें चर्बी नहीं हो पाता, इनका मसल्स भी बहुत मुश्किल से बढ़ती है। ठीक है, आपकी बुक में गलत आंसर दिया हुआ था,
ऑप्शन नंबर ए, बट यहाँ पे आंसर होगा आपका मजबूत और लंबी गर्दन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? तो दोस्तों इसके द्वारा मानसिक आयु, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा किसका पता लगाया जाता है? मानसिक आयु का। मनोवैज्ञानिक रूप से शरीर की आयु का पता लगाने के लिए चार भागों में बांटा गया है। कालक्रमिक आयु, जिसे वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, जिसे दिनों महीनों वर्षों में मापा जाता है। एंड शरीर रचना आयु, अस्थियों दांतों की गणना करके पता लगाया जाता है। क्रियात्मक आयु, जो हार्मोन चेंज होते हैं बच्चों में किशोरावस्था में, उससे पता लगाया जाता है। और मानसिक आयु में मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था बीने ने, और उसके बाद स्टर्न ने आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र दिया था। उसके बाद टर्मन ने जो इंटेलिजेंस क्वेटेंट है, एम ए बटा सी ए गुड़े 100, यानी मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज गुड़े 100, इसको सूत्र को दिया टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं राउंड रॉबिन दिया है, जो लीग टूर्नामेंट को कहा जाता है या प्रतियोगिता से रिलेटेड है। ए का 3 हो जाएगा। एंड काइफोसिस क्या है दोस्तों? एक विकृति है, एक आसन विकृति है, यहाँ पे आसन राइट हो जाएगा। परकूजन क्या है? मसाज है, मालिश है, इसलिए सी का 4 हो जाएगा। स्टर्नम क्या है? जिसमें हमारी सभी पसलियाँ 12 जोड़ी जुड़ी रहती हैं छाती पे, उसे स्टर्नम कहते हैं। तो ये हड्डी से रिलेटेड है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपने सही जवाब दे दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, कुबड़ को और किस नाम से भी जाना जाता है? एक काइफोसिस ऐसा है कि हर बार पूछा जाता है बेटा। काइफोसिस को अच्छे से समझ लीजिए कि आप जहाँ जाके वहाँ पे गलत आंसर मत कीजिए। काइफोसिस को घुमावदार कंधा, हंच बैक आदि नामों से जाना जाता है। कुबड़ा, काइफोसिस, तो यहाँ पे कौन सा कुबड़ा को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसको यहाँ पे घुमावदार कंधा आपका राइट होगा। क्या होगा? घुमावदार कंधा, क्योंकि ऑप्शन में जैसे कि आपका हंच बैक बोला जाता है एंड घुमावदार कंधा, घुमावदार पीठ होना चाहिए, बट यहाँ पे कंधा दिया है, और ऑप्शन तो राइट होगा नहीं, पार्श्व पीठ आपका हो जाएगा दूसरा चीज। तो यहाँ पे आपका कुबड़ एक रीढ़ के ऊपरी भाग की अस्थिर सर्वाइकल के 3 से 5 नंबर की अस्थि की होती है, जिसमें सर्वाइकल अस्थि का आकार बाहर की तरफ निकल जाता है, सी आकार का हो जाता है। इसे घुमावदार कंधा भी कहते हैं। और इसमें धनुरासन करना चाहिए, इसके ठीक करने के लिए ज़्यादातर क्या करना चाहिए? धनुरासन, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 6 भागों में बांटा है। कौन कौन से 6 भागों में? ज्ञान प्रधान, सौंदर्य प्रधान, अर्थ प्रधान, राजनीति प्रधान, धर्म प्रधान, समाज प्रधान। नेक्स्ट दोस्तों, एंडोमोर्फ की विशेषता है क्या? है एंडोमोर्फ की विशेषता, तो ये शिथिल और वसा युक्त शरीर वाले होते हैं। कैसे होते हैं? शिथिल और वसा युक्त। जबकि मेसोमोर्फ कैसे होते हैं? मांसपेशी और एथलेटिक प्रकार के होते हैं। एक्टोमोर्फ कैसे होते हैं? पतला और आलसपन के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेल्डन ने बॉडी टाइप को 3 प्रकार में बांटा है, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक। एंडोमोर्फिक को में शरीर मोटा, कोमल, आराम तलब, विरोध प्रिय, मिलनसार होता है। एंड मेसोमोर्फिक जो है उसका स्वास्थ्य अच्छा, बदन फुर्तीला, मजबूत, साहसी, उत्साही, निडर व सशक्त होता है। एक्टोमोर्फिक जो है लंबा, पतला, दुबला, सुंदर, अंतर्मुखी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को जब वे गति से संबंधित किसी कार्य क्रिया का शिक्षा कराते हैं तो किस कारक का ज्ञान होना चाहिए उन्हें? तो शक्ति कैसे उत्पन्न होता है, शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, शक्ति का अवशोषण कैसे होता है, इस सभी चीजों का ज्ञान उसे होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता है? तो यहाँ पे जो बी टाइप का व्यक्तित्व है वो स्पर्धाशील नहीं होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप ए बी सी डी, तो टाइप ए का जो व्यक्तित्व होता है, इस प्रकार के व्यक्ति अत्यधिक स्पर्धाशील होते हैं, आत्मविवेचनात्मक व शीघ्र उत्तेजित होते हैं। जबकि टाइप बी जो होता है, इस प्रकार के व्यक्ति स्पर्धाशील नहीं होते, ये शांत चित्त व सहनशील होते हैं। एंड टाइप सी जो होता है, इस प्रकार के व्यक्ति आकर्षक होते हैं, मनोहर होते हैं तथा शांत, सुस्त, निष्क्रिय, निराश और नकारात्मक सोच वाले होते हैं। जो टाइप डी वाले होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति एकांत प्रिय, कष्ट सहन करने वाले व नकारात्मक सोच के होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका अभिकथन से रिलेटेड है, ये मत सोचिए यहाँ पे बीपीएससी में आपको क्वेश्चन, जैसे आपने केवीएस में देखा था कि एक क्वेश्चन दिया गया चार ऑप्शन, उसके बाद भी चार ऑप्शन बनाएगा कि ए बी सही है, बी सी सही है, ए बी सी सही है या सभी सही है, इस प्रकार के घुमा घुमा के देगा। इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अभिकथन है, किशोरावस्था तीव्र विकास और विसंगत परिवर्तन का समय होता है। बात सही है, जो भिन्न भिन्न किशोरों में भिन्न भिन्न होता है। ऐसा थोड़ी है कि सभी किशोरों में एक जैसा होता है, भिन्न भिन्न किशोरों में भिन्न भिन्न होता है। ये आपका सही लग रहा है। इसके तर्क में आर क्या दिया है इसको देखते हैं। किशोर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो विकास के लिए उत्तरदायी होता है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। तो यहाँ पे तो ए तो सही लग रहा है, बट आर यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन से ही रिलेटेड है, व्यक्तिगत लक्षण और परिस्थिति जन्य कारक व्यवहार को प्रभावित करने के लिए विचित्र तरीके से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं या मिल जाते हैं। तो ये बात सही है। तर्क आर है कि एक व्यक्ति का व्यवहार पर्यावरणीय प्रभावों तथा सामाजिक पुनर्बलन के द्वारा निर्धारित होता है। आर सही है, बट ये आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों राइट है परंतु ए का आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। एंड नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति ने मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन बताया है? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन बताया है। ये जो परिभाषाएं हैं ना दोस्तों, तो दो तीन परिभाषाएं आ ही जाती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस परिभाषाओं पर भी। नेक्स्ट है, संज्ञानी विधा का संबंध निम्न में से किस एक से है? संज्ञान मतलब होता है चिंतन। क्या होता है? चिंतन। तो संज्ञानी विधा का संबंध किस कथा से है? तो इसका हो जाएगा चिंतन अनुभव। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रायड का निम्न में से किस सिद्धांत से संबंध है? तो ए सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी के प्रतिपादक हैं। ये क्या करते हैं, इनके अनुसार व्यक्ति खेल के द्वारा अपनी दबी हुई भावनाओं और इच्छाओं को पूरा करता है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड।
एंड अतिरिक्त ऊर्जा सरपल्स एनर्जी थ्योरी के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट स्पेंसर एंड सीलर। भविष्यदर्शी धारणा के प्रतिपादक हैं कार्ल ग्रूस एंड पुनः अवलोकन धारणा दिया है स्टेनली हाल ने एंड कैथेटिक थ्योरी रेचन ब्रेजन धारणा एंड सोशल थ्योरी इन दोनों को दिया है अरस्तु ने एंड खेल ही जीवन है धारणा को दिया है जॉन डीवी ने। इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया है मैकडूगल ने। इन सभी को याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, स्टेनली हाल के अनुसार मानव विकास के किस काल को पूर्व अनुभवों जन्म पूर्व अनुभवों क्या कह रहा है स्टेनली हाल के अनुसार मानव विकास के किस काल को जन्म पूर्व अनुभवों के पुनरावर्तन का काल कहा जाता है। इन्होंने पुनः अवलोकन धारणा दिया था स्टेनली हाल ने, तो पुनः जन्म के पूर्व अनुभवों के पुनरावर्तन काल को किस काल को कहा है, तो इन्होंने कहा है शैशव काल को। नेक्स्ट दोस्तों, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन नियंत्रित करता है, इसे ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। यह पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है यानी पीयूष ग्रंथि से। तो सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन क्या करता है, शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। यदि इसकी कमी हो जाएगी सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन की तो हम बौना रह जाएंगे, और अधिक हो जाएगी तो बहुत विशालकाय शरीर हो जाता है, तो इसे हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, यही तो शारीरिक शिक्षा में देखा जाता है कि सच में शारीरिक शिक्षक है कि नहीं, आकर्षक व्यक्तित्व, शरीर का अच्छा डील डोल और अच्छा शारीरिक शिक्षा का ज्ञान, ये जो व्यक्तित्व है पर्सनालिटी है, ये शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। क्या है व्यक्तित्व, शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है, ये आपका राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास करना है। जब व्यक्ति स्वयं शारीरिक क्रियाओं में हिस्सा लेता है तो उसकी आंतरिक इच्छाओं की आनंददायक तथा शीघ्र अभिव्यक्ति होती है, उसके आंतरिक गुण प्रकट होते हैं तथा व्यक्तित्व में निखार आता है। नेक्स्ट दोस्तों, मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। मनोविनोद है, ठीक, मनोविनोद मतलब मन का विनोद मतलब आनंद, ठीक है। तो वैयक्तिक आनंद, मनोविनोद से तात्पर्य क्या है यहाँ पे, वैयक्तिक आनंद। संसार में खुश रहने के लिए इन दिनों बहुत से तरीके खोजे जा रहे हैं। खुश रहने के लिए शिविर लगाए जाते हैं, किताबें पढ़ी जा रही हैं, इसी के साथ सुखी रहने के तमाम तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। जो खुश रहने का एक तरीका मनोविनोद करना यानी मन को आनंदित करना, इसमें व्यक्ति अपने परिवार के छोटे बड़े सदस्यों के साथ हास्य विनोद करता है, करके अपना मनोविनोद करता है, मनोविनोद से आत्मा तृप्त हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है, इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी ईयर, यानी कि प्री एडोलेसेंस भी कहते हैं, प्यूबर्टी ईयर या प्री एडोलेसेंस कहते हैं। जैसे कि 0 से 5 वर्ष आपका शैशव अवस्था हो जाता है और 5 से 11, 12, 13 तक आपका हो जाता है बाल्यावस्था, जिसमें से प्री बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, लेटरल बाल्यावस्था, जिसे हम प्यूबर्टी भी कहते हैं लेटरल बाल्यावस्था को, और प्री एडोलेसेंस यानी कि पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। यह 9 से 12, 13 तक होता है, बट यहाँ 11 से 14 वर्ष दिया हुआ है। तो लड़कियों में यह जो है 11 से 13 वर्ष तथा लड़कों में 12 से 14 साल की होती है। इस उम्र में बालक का पेशी ऊतक बढ़ता है। प्रारंभिक किशोरावस्था यह 13 से 14 से प्रारंभ होकर 17 साल तक जाता है, जबकि लेटरल किशोरावस्था, प्रवर्ती किशोरावस्था 17 से 19-20 साल तक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमोर्फ का क्या तात्पर्य है। तो सेल्डन ने 3 बड़े टाइप बांटे हैं, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक
एंड एक्टोमॉर्फिक। तो यहाँ किसकी विशेषता पूछा है, मेसोमॉर्फिक, जिसमें मजबूत बॉडी बॉडी मांसपेशी युक्त मजबूत होती है, एथलेटिक बॉडी प्रकार का होता है। तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, मेसोमॉर्फिक से तात्पर्य क्या है, एथलेटिक बॉडी जिसमें सभी गुड होते हैं, तो यहाँ पे एथलेटिक बॉडी हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एंडोमॉर्फ जिसे गोलकार शरीर कहते हैं, जो शरीर नाशपाती के आकार का कोमल वसा भंडार की क्षमता अधिक होती है, हैवी वेट कुश्ती थ्रोइंग पावर लिफ्टिंग में भाग लेना ये ज़्यादा पसंद करते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। एंड जो मेसोमॉर्फिक हैं वो मांसपेशी प्रधान आयताकार शरीर रचना एथलीट एवं संतुलित होती है, मजबूत शरीर वाले होते हैं, ये साहसी बलवान किसी प्रकार की समस्या से घबराते नहीं, साहसी एवं दिल के साफ होते हैं। एक्टोमॉर्फ जो लंबाकार होते हैं सहनशीलता वाले खेलों को पसंद करते हैं, शरीर स्लिम होता है, अंग तथा मांसपेशी लंबे होते हैं, वॉलीबॉल बास्केटबॉल लंबी दौड़ ये ज़्यादा पसंद करते हैं। और सिल्डर ने वर्गीकरण में 1 से 7 अंकों का सोमेटो टाइप स्केल भी दिया है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो संवेग यानी इमोशन, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है दोस्तों, तो वह होती है आपका ऊर्ध्वपातन। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन यानी बालक के शारीरिक मानसिक चारित्रिक विकास में संवेग का विशेष महत्व है। संवेगों के प्रशिक्षण में ज्ञानात्मक भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पहलू सम्मिलित रहते हैं। खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से हैं, शोधन यानी ऊर्ध्वपातन जिसे सम्मिलेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, रेचन यानी कैथेसिस कहते हैं, अधिवसन यानी कि इंडस्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी बालक द्वारा एक वीरता का अभिनय किया जाता है तो यह किस प्रकार के खेल में आता है, वीरता यह आपका एक संवेगात्मक एक भावना हो गया, इमोशन हो गया, क्या हो गया, वीरता शब्द एक इमोशन हो गया, तो यहाँ पे संवेगात्मक खेल आपका राइट होगा डी, यानी जिन खेलों के द्वारा बालक विभिन्न संवेगों की अनुभूति करता है उन्हें संवेगात्मक इमोशनल खेल कहते हैं, जैसे कि रामलीला हो गया, वीरता का अभिनय, नाटक, नौटंकी संवेगात्मक खेल हैं। नेक्स्ट है वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, तो दोस्तों वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है अनुवांशिकता, पर्यावरण और जलवायु, तीनों है। आप के माता पिता कैसे हैं, खानदान कैसा है, वहाँ से जो जीन माता पिता के जीन से जो गुण आते हैं उसी को अनुवांशिकता कहते हैं, और पर्यावरण उसको पोषण देता है, जलवायु गर्म है कि ठंडी है उसके अनुसार आपकी वृद्धि विकास जल्दी या धीरे धीरे होती है, तो इनमें से सभी आपका इसमें सहायक होते हैं कारक। इसके अलावा आपका वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में दोस्तों मुख्य रूप से अनुवांशिकता है, फिर पर्यावरण है, एंड पोषक कारक है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज लवण जल, एंड शारीरिक शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रम है जैसे कि एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह, ठीक है, ये सभी वृद्धि को प्रभावित करते हैं, वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एंड नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के कार्यकलापों के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, तो अगर शारीरिक शिक्षा के कोई कार्य का आप चयन कर रहे हैं तो जो बालकों को आप ले रहे हैं उस कार्यक्रम में तो उसका सबसे ज़्यादा किसका ध्यान रखेंगे, तो दोस्तों हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे बच्चों की जाति धर्म से हमको मतलब नहीं है, बच्चों की लंबाई वजन का ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, बच्चों की ग्रामीण है कि शहरी है ये भी उतना ध्यान नहीं रखेंगे, बट बच्चों की शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल जो फिटनेस है उसकी आवश्यकता है उस पर विशेष ध्यान देंगे, यानी कि प्रत्येक खिलाड़ी के व्यक्तित्व जो है वो अलग अलग होते हैं दोस्तों, इस कारण प्रत्येक खिलाड़ी के प्रशिक्षण की क्रिया भी निश्चित रूप से अलग होनी चाहिए होगी, इसलिए शारीरिक शिक्षा क्रियाकलापों का चयन करते समय उसकी शारीरिक दक्षता क्या है उसकी आवश्यकता क्या है वो ध्यान में रख करके करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है, तो दोस्तों वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है,
जबकि विकास निरंतर चलता रहता है। तो वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। यह क्या होता है? लंबाई और वजन में परिवर्तन होता है, आकार आकृति में परिवर्तन होता है, इसे कहते हैं वृद्धि। अब विकास क्या होता है? उसमें कितना विकास हुआ, उसमें बुद्धि कितनी डेवलप हो रही है, जो ज़्यादा दिखाई नहीं देता। वृद्धि का अर्थ है वजन या आकार में बढ़ना, बड़ा लंबा होना। वृद्धि पैदा होने से लेकर वयस्क होने तक होती रहती है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, किन तीन व्यक्तित्व के गुणों के कारण सारे शिक्षक दूसरे से अलग होते हैं? तो कौन सा ऐसा तीन व्यक्तित्व का गुण है जो शारीरिक शिक्षा जो है अन्य शिक्षकों से अलग होते हैं? तो वो होता है उसका आकर्षण जो है प्रभावी होता है, बेहतरीन स्वास्थ्य होता है, उच्च स्तर की सक्षमता होती है जो अन्य टीचरों से या शिक्षकों से उसे अलग करती है। नेक्स्ट है, पिकनिक शरीर का एक प्रकार है जिसे किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी किसने वर्गीकृत किया है? तो इसको दिया है क्रिस्टमर ने चार बॉडी टाइप पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डायस प्लास्टिक बांटा है। नेक्स्ट दोस्तों, व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में शामिल है। बहुमुखी मतलब बहुत सारे आयाम हो गया, तो उसमें शारीरिक, मानसिक विकास, सामाजिक, भावनात्मक विकास, नैतिक, आध्यात्मिक विकास, इस प्रकार संपूर्ण विकास है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर राइट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों जो भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस पे इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, और अपना बुक भी कीजिए, सभी चीज़ें रिवीजन कीजिए और अपने को चेक करते रहिए कि मैं क्या क्या गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।